सोनभद्र के रावर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के आंबेडकर नगर मोहल्ले में अवैध पटाखा बनाए जाने की सूचना पाकर पुलिस ने छापा मारा, जिसके बाद भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और पटाखों को सील लगा दी है। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बीचों बीच आम्बेडकर नगर मोहल्ले में एसओजी टीम व थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई में अवैध लाइसेंस के रूप में भंडारण किए गए 108 पेटियों में 4 क्विंटल पटाखों को बरामद किया गया है। इन पटाखों की अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे जब्त कर पुलिस छानबीन में जुट गई। दशहरा और दीपावली पर पटाखे की खूब बिक्री होती है। इन त्योहारों के लिए लाइसेंस धारक अभी से पटाखे की खेप मंगाने लगे हैं। सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर उनका भंडारण किया जा रहा है। कस्बा रॉबर्ट्सगंज में 2 स्थानों पर रॉबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी की टीम द्वारा 108 पेटियों में पटाखों का अवैध भंडारण पाया गया, जिनमें 4 लोगों का नाम प्रकाश में आया है। चारों अभियुक्तों के विरुद्ध 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, 746/24 व 748/24 अंडर सेक्शन 9 भी विस्फोटक अधिनियम दर्ज किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। एएसपी कालू सिंह ने बताया कि मौके से करीब 400 किलो अवैध पटाखे मिले हैं। इसे अवैध तरीके से भंडारित किया गया था। पटाखे जब्त कर जांच की जा रही है। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पटाखों की कुल कीमत 7 लाख रुपए बताई गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बरामद माल किसका है। केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।